क्या आपको पता है कि आप इस जन्म के पूर्व कौन से लोक में थे? मतलब देवलोक में थे, मर्त्यलोक में थे, पितृलोक में थे या फिर किसी अन्य लोक में थे? क्या यह संभव है कि केवल जन्म कुंडली के माध्यम से यह जाना जा सके कि हमारा जो जन्म है इसके पूर्व के जन्म में हम कौन से लोक में थे, अथवा हमारा जो जन्म हुआ है इसके पहले किस लोक से हमारा इस पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ है? क्या ऐसा संभव है? क्या ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार की कोई विधा मिलती है कि हम जान सके कि हम वर्तमान समय में कौन से लोक से अवतरित हुए हैं? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो संचित और प्रारब्ध कर्म जो हैं पूर्व जन्म के उन्हीं को प्रदर्शित करने वाला है। तो क्या पूर्व जन्म में मनुष्य कौन सी योनि में था, मतलब किस लोक में था, क्या यह जान पाना संभव हो पाएगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश त्रिपाठी श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या यह संभव है कि हमारा जो जन्म हुआ है हम किस लोक से आए हुए हैं, ऐसी कोई विधा ज्योतिष शास्त्र में है कि नहीं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र हमारा है मूलतः कर्म पर आधारित ही सिद्धांत है और जन्मांतरीय व्यवस्था को भी मानता है। कि कहा भी गया है ज्योतिष के ग्रंथों में कि ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को ही प्रदर्शित करता है, मतलब इसके पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए हुए हैं, सत्कर्म है या असत्कर्म है, उनको ही यह शास्त्र प्रदर्शित करने वाला है। तो वर्तमान जन्म से पूर्व हम किस योनि में थे, मतलब कौन से लोक में थे, उसका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और आज नहीं, आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व वराहमिहिराचार्य ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है कि आपका जन्म जो अभी हुआ है उसके पूर्व आप कौन से लोक में आए हुए हैं। आप बृहत जातकम नामक ग्रंथ पढ़ेंगे अथवा लघु जातकम नामक ग्रंथ पढ़ेंगे और ज्योतिष के अन्य जो ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, उनको आप पढ़ेंगे तो उनमें यह बात मिलती है, प्रमाण रूप में मिलता है और यह व्यवहारिक भी प्रतीत होता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र उसी का ही आदेश करता है। तो आइए आज समझते हैं कि कैसे हम जाने कुंडली देख करके कि हमारा जो जन्म हुआ है इसके पूर्व हम कौन से लोक से आए हैं। है ना थोड़ा सा रहस्य वाला विषय, लेकिन अच्छा है। आप स्वयं की कुंडली पर इसको आप देख सकते हैं और प्रायोगिक रूप में इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इस विषय में जब हम देखें तो वराहमिहिराचार्य ने निर्याण अध्याय में इस विषय को संकेतित किया है। वहाँ पर वह कहते हैं कि चंद्र, आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, ये जो दो ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों में जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह हो, मतलब सूर्य बली हो अथवा चंद्र बली हो, दोनों में से कोई एक जो सर्वाधिक बलशाली हो, यह ग्रह, मतलब इन दोनों में से बलवान ग्रह जिस ग्रह के दृष्काण में रहता है, दृष्काण जो एक षडवर्ग में आता है जो प्रथम पंच और नवम के विभाजन से किया जाता है, मतलब राशि का प्रथम दृष्काण उसी का होता है, द्वितीय दृष्टिकोण उससे पंचम का होता है और तृतीय दृष्टिकोण उससे नवम का होता है। तो इन दोनों ग्रहों में से जो बलवान ग्रह हो और वह ग्रह, मतलब सूर्य या चंद्रमा, जिस ग्रह के दृष्टिकोण में हो तो उस ग्रह से संबंधित जो लोक है उस लोक से व्यक्ति आया हुआ होता है, ऐसा बताया है। तो कौन कौन से ग्रह किस किस लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं उस विषय में आचार्य ने कहा है और वह बताते हैं कि यदि सूर्य या चंद्रमा, इन दोनों में जो बलवान हो वह यदि सूर्य के दृष्टिकोण में हो, मतलब जहाँ पर 5 लिखा रहता है दृष्टिकोण संख्या, उसमें यह दोनों में से जो बलवान हो वह यदि हो तो निश्चित रूप से जो मनुष्य है वह इस पृथ्वी का ही पूर्व जन्म में वास उसका रहता है और पृथ्वी से ही पुनः वह द्वितीय जन्म में पृथ्वी पर आता है। मतलब यह जो तिर्यक लोक है, जो चराचर प्राणी जिसमें वसते हैं, पशु पक्षी जलचर कीट नभचर मनुष्य इत्यादि जो भी हैं, यह तिर्यक लोक कहा जाता है। तो इसके पूर्व के जन्म में वह व्यक्ति पृथ्वी पर ही रहा, ऐसा आचार्य का आदेश है।
यदि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में से जो बलवान ग्रह है वह यदि चंद्र के दृष्टिकाण में हो तो व्यक्ति पितृलोक से आया हुआ होता है, ऐसा आदेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्र पिंड के ऊपर हमारे पितरों का वास होता है। फिर मंगल के दृष्टिकाण में यदि इन दोनों में से जो बलशाली ग्रह है वह यदि मंगल के दृष्टिकाण में हो तो भी पृथ्वी का ही समझना चाहिए, मतलब पृथ्वी पर ही वह व्यक्ति पूर्व जन्म में अवतरित हुआ रहता है और अपने कर्म के आधार पर पुनः इस जन्म में वह पृथ्वी पर ही अवतरित होता है। और इसके पश्चात बुध का, मतलब बुध के यदि दृष्टिकाण में हो तो व्यक्ति नरक से आया हुआ होता है, ऐसा आचार्य का आदेश है। फिर यदि बृहस्पति के दृष्टिकाण में सूर्य या चंद्र जो दोनों बलवान हो वह यदि बृहस्पति के दृष्टिकाण में हो तो देवलोक से आया हुआ होता है, मतलब इसके पूर्व का जन्म जो उसका है मतलब देव योनि से होते हुए वह इस मनुष्य योनि में शरीर को प्राप्त करता है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः धरती पर मनुष्यों का आना होता है, अपने सत्कर्म से मनुष्य ऊर्ध्वलोक को गमन करता है, और जब वही पुण्य क्षीण हो जाता है तो मनुष्य पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। शुक्र की हम बात कर लें तो शुक्र भी जो है पितृलोक का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब दोनों में से जो बलशाली ग्रह हो, सूर्य अथवा चंद्र में से जो बलशाली ग्रह हो वह यदि शुक्र के दृष्टिकाण में है तो निश्चित रूप में वह मनुष्य इसके पूर्व पितृलोक में था और वहां से वह इस धरा पर आया हुआ है। शनि की बात कर लें, शनि वस्तुतः यमराज का ही द्योतक होता है, यम भी कहते हैं शनि को, तो शनि के दृष्टिकाण में यदि हो तो निश्चित रूप से नरक से वह व्यक्ति आया हुआ होता है, मतलब अपने जो कर्म है असत कर्म है उनका भोग वह नरक में कर लेता है और पुनः प्रारब्ध का निर्माण होता है तो वह पुनः मनुष्य पृथ्वीलोक पर अवतरित होता है। तो इन 7 ग्रहों के आधार पर मनुष्य किस लोक से आया हुआ है यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। इसमें आचार्य वराहमिहिर एक और महत्वपूर्ण विषय कहते हैं कि संबंधित ग्रह यदि उच्च या मूल त्रिकोण या स्वराशि का हो तो तत्तत् लोकों में वह व्यक्ति उतना ही पद को प्राप्त किए होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य यदि बलवान है, सूर्य चंद्र में से दोनों बलवान हैं और वह स्वयं अपने ही दृष्टिकाण में, मतलब जहाँ 5 लिखा रहता है, जहाँ सिंह राशि रहती है उसी के दृष्टिकाण में यदि हो तो निश्चित रूप से मनुष्य पृथ्वी पर ही पूर्व जन्म उसका हुआ रहता है। और चूंकि वही जन्म कुंडली में वही सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में हो तो ऐसा कहना चाहिए कि पूर्व जन्म उसका पृथ्वी पर तो अवश्य था ही, लेकिन उसमें भी वह एक वैभवशाली संपन्न परिवार में जन्म लिया हुआ था ऐसा कहना चाहिए, और कर्म विपाक इत्यादि सिद्धांतों के अनुसार भी इसी प्रकार का निर्णय या प्रतिपुष्टि होती है। चंद्र इत्यादि, और यदि इसी में बलहीन हो तो वस्तुतः वह पृथ्वी पर ही रहेगा, लेकिन किसी दीन अवस्था में या किसी भिक्षुक के रूप में या किसी सेवा कार्य के रूप में, मतलब उच्च मूल त्रिकोण इत्यादि, मतलब उस ग्रह की कैसी स्थिति है उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व जन्म में वह मनुष्य था या फिर जलचर नभचर किसी भी रूप में था, उच्चादि की स्थिति में वह उस पूर्व जन्म में वैभवशाली संपन्न इत्यादि रहा होगा और उसी के आधार पर इसका वर्तमान समय में जन्म हुआ है, मतलब पृथ्वीलोक पर हुआ है। तो इस प्रकार से केवल और केवल जन्म कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा पूर्व का जन्म किस लोक से हुआ है, मतलब पूर्व के जन्म में हम क्या थे। तो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आप भी अपनी कुंडली पर आजमा करके देखिए कि आपका इसके पूर्व का जन्म क्या था, और कमेंट बॉक्स में आप हमें सूचित कीजिएगा कि यह कैसा आपको विषय लगा। पुनः नए विषयों को लेकर के यह संस्था हाजिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।